सलामुअलैकुम भाइयों, एक चीज मैं देख रहा था कि मैंने कहा जरा आप लोगों से पूछूं, मुझे तो समझ नहीं आई। आप कोई भी चीज सोचते हो, जैसे कि मेरे पाँव में कुछ हफ्ते पहले पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा यार इसका क्या इलाज करूँ, क्रीम वगैरह लगाऊं, ये सोच ही रहा था, अपने आप से ही बात की, एकदम फेसबुक यूट्यूब और टिकटॉक पे उसके ऐड आने शुरू हुए। मैं देखा यार ये तो मैंने, मुझे मसला है पैर में दर्द हो रहा है, इसके ऐड भी आने लग गए। खैर इग्नोर किया, लेकिन ऐसी काफी चीजें हैं, जैसे बीच में मैंने खजूर देखने की शुरू की, कौन सी खजूर अच्छी है, जो कौन सी खाऊं, कहाँ से लूं, क्या है, तो वो चीज सोच ही रहा था कि एकदम फेसबुक में उसके ऐड आने लग गए, यूट्यूब में उसकी वीडियो आने लग गई खजूरों के ऊपर। यानी मेरे समझ से बाहर है ये कैसे होता है। यानी ये मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जो चीज देखते होंगे या सोचते होंगे वो जहां पर भी ऐड चलते हैं, जैसे फेसबुक में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, या कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसपे ऐड चलते हैं, तो वो चीजें जाहिर हो जाती है, जो आप सोच रहे हो वो चीजें सामने आ जाती है और उनका ऐड आना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है, उनको कैसे पता चलता है कि हम ये सोच रहे हैं, ये मेरे समझ से बाहर है भाई। कई लोगों के साथ ऐसा होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो सोचते हो कि वो चीज ऐड पे आती है। कोई बता सकता है कि ये चीज क्या है, ये हल, ये क्या मसला है, ये कैसे उनको पता चलता है, या कैसे हमारी सोच के साथ लिंक किया हुआ है सोशल मीडिया का। खोलो नहीं खोलो आप, उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, जो चीज ढूंढ रहे हो, उसी चीज का एड फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पे आ रहा है। कैसे ये, कैसे कोई बता सकता है मुझे, ये होता कैसे, क्या चक्कर है, ये फंडा क्या है इसके पीछे और किन किन के साथ ऐसा हुआ कि जो चीज उन्होंने सोची और वही चीज उनके सामने एड की शक्ल में आई है या कोई वीडियो आई है, बताना जरा मुझे कमेंट करके।